हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आप लोगों के द्वारा रिक्वेस्ट है कि मैम, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका एग्जाम आने वाला है उसके क्वेश्चंस के पैटर्न किस तरीके के हो सकते हैं। एंड एक्चुअली स्टूडेंट, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये काफ़ी लंबा सिलेबस है एंड इसमें कुछ पोर्शंस ऐसे डाले गए हैं जो कि बहुत ही न्यू हैं एंड काफ़ी उसमें मैं बोलूँ कि बेसिक सवाल आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे सैम्पल क्वेश्चंस कराऊंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव। आई एम यू जी सी नेट क्वालिफाइड एंड जेट ऑल्सो क्वालिफाइड। आई एम PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड माय स्पेशलाइजेशन इज इन इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड आई हैव डिप्लोमा इन फाइनेंस ऑल्सो एंड आई एम लाइफ टाइम मेम्बर ऑफ IEASA and this is my mobile number 8439066995 and this is my app Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. Student, एक information भी है मेरे app Shipranomics पर। अभी जो courses available हैं उनमें मध्य प्रदेश assistant professor के लिए test series की classes चल रही हैं और इन classes को लेने के लिए आपको Shipranomics app को download करना होगा। and student, अभी जो है ये classes week में 4 दिन चल रही हैं, 4 दिन लाइव इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है और आज के लिए शिप्रानॉमिक्स ऐप पर 500 ऑफ का कूपन भी है, तो यू कैन अवेल दैट कूपन ऑल्सो। ठीक है, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखो, आपका जो यूनिट 1 है सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, आपका सिलेबस बिल्कुल मेरे सामने है। तो इसमें आप लोगों को स्टूडेंट जो एनालिसिस पढ़नी है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी बेसिक्स हैं, जैसे प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा, ये तो चलो आप फिर भी पढ़ लेते हो। इसके अलावा जो टॉपिक हैं जो कुछ नए तरह के हैं, मनु बृहस्पति एवं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी नए हैं, धन का अर्थ क्या है, उपभोग की अवधारणा क्या है, तो इन सभी पर किस तरीके के सवाल आ सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखो, कौटिल्य द अर्थशास्त्र ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक लिखी किसने है, रॉजर बोस, एल एन रंगराजन या मनु? तो ये पुस्तक लिखी हुई है एल एन रंगराजन की। कुछ और सैम्पल क्वेश्चंस पर आ सकते हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक क्या विश्लेषण नहीं करती है? स्टूडेंट देखो, जैसे ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, नाम से हमें लगता है कि ये बिल्कुल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पुस्तक में पॉलिटिक्स के बारे में भी है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी है, ये इकोनॉमिक्स को कम डील करता है। ठीक है, राजनीतिक दुनिया कैसे काम करती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किस तरीके का ढांचा होना चाहिए, कुशल और मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे संचालित हो सकती है, ये सारे सवाल, ये सारा डिस्कशन इस बुक में है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में। लेकिन मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये पुस्तक इसको डिस्कस नहीं करती। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? एक चीज ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ये बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है, लेकिन सभी का स्टेटमेंट अलग होता है। तो जनरली किस अर्थशास्त्री ने धन का विज्ञान कहा है, तो यहाँ पर एडम स्मिथ होंगे, लेकिन इसी तरीके के और भी सवाल बन सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट टू वेल्थ, तो यहाँ पर भी धन की परिभाषा दी गई लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मैंने अपने टेस्ट सीरीज में कराए हुए, क्योंकि आप इसको अलग नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी की परिभाषा में है, तो इसको आपको ध्यान से करना होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ज्ञान है जो कि धन से संबंधित है, और ये कहा था वॉकर ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, UGC नेट वगैरह में भी पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिफरेंट स्टेट के, मैं तो पढ़ाती रहती हूँ स्टूडेंट, तो डिफरेंट स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इस तरह के सवाल आए हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, देखो एक तीसरा स्टेटमेंट, ये कथन किसका है? तो ये कथन है JB Say का, JB Say जिसका हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते कि उन्होंने क्या दिया था, सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, लेकिन उनका ये स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में भी है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ। किस अर्थशास्त्र ने धन की परिभाषा के दोष को दूर करने के लिए अर्थशास्त्र की परिभाषा में मनुष्य पर बल दिया, है ना? अब देखो, यहाँ पर जो भी वेल्थ रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन दिए गए थे, सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज थे।
इन फ्लॉज को दूर करने के लिए मार्शल ने मनुष्य पर विशेष बल दिया था। उन्होंने धन केंद्रित परिभाषा से अर्थशास्त्र की परिभाषा को थोड़ा अलग किया। तो यहां पर जवाब होगा मार्शल। निम्नलिखित ग्राफ में प्रतिस्थापन प्रभाव कौन सा है? सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, क्योंकि देखिए स्टूडेंट कभी भी रटे रटाए सवाल नहीं आते कि मैं जो बनवा रही वही सवाल आएंगे या जो प्रीवियस पूछे गए हैं वही सवाल आएंगे। सवाल हमेशा नए तरीके से पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको पता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है, नेगेटिव इसकी जो प्रकृति होती है नेगेटिव होती है। अगर कीमत घटती है किसी वस्तु की तो कहता है ज़्यादा खरीदो, कीमत बढ़ती है तो ये कहता है कम खरीदो, मतलब सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्राफ के साथ मैंने ये डाला है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट शो कर रहा है। हिक्स में हमने पढ़ा है कि उपभोक्ता जो है वो समान इंडिफरेंस कर्व पर रहता है, इंडिफरेंस कर्व को चेंज नहीं करता। तो यहाँ पर देखो, जब वस्तु की कीमत कम थी, वस्तु की कीमत यहाँ पर पी एल थी, वस्तु की कीमत घटी मतलब प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीज्ड, है ना, तभी ये जो वस्तु की मात्रा है वो बढ़ी, गुड एक्स हम ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि गुड एक्स की कीमत घट रही है। अब देखो गुड एक्स की कीमत जब ज़्यादा थी तो हम एम क्यू मात्रा खरीद रहे थे वाई की और ओ एम मात्रा खरीद रहे थे एक्स की। अब एक्स वस्तु की कीमत घटी है तो हमने इसकी ज़्यादा मात्रा खरीदनी शुरू की, एल एम डैश तक हमने इसकी मात्रा को खरीदना शुरू किया। पहले कंज्यूमर क्यू पर इक्विलिब्रियम में था, अब सेम इंडिफरेंस कर पर वो नीचे की तरफ आ जाता है, टी पर आ जाता है। तो उसकी ये जो शिफ्टिंग है क्यू से टी पर, ये क्या है, प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में अगर एक वस्तु की कीमत घटती है तो दूसरे वस्तु की मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इस पर सवाल आते रहते हैं। ये सवाल जो है स्टूडेंट काफ़ी कॉमन है, इससे संबंधित कई तरह से सवाल पूछे गए। लेकिन आप इसमें क्या होता है, अगर आप जल्दीबाजी में सवाल का जवाब देते हो तो एरर होने के चांसेस होते हैं। तो एक ट्रिक मैं हमेशा बताती हूँ कि जब भी अगर आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन गुड दिया गया है या कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया तो जस्ट ड्रॉ, यहाँ पर है प्रतिस्थापन वस्तु, तो एक बेसिक प्रतिस्थापन वस्तु को दिमाग में रखिए, जैसे टी एंड कॉफ़ी, राइट। यहाँ पर दिया गया है एक वस्तु की कीमत घटती है, तो मान लीजिए टी की कीमत घटती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी की कीमत घट रही है तो टी की डिमांड को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कॉफ़ी की डिमांड पर असर पड़ेगा और कॉफ़ी की डिमांड घट जाएगी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दूसरे वस्तु की मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डिमांड अगर घटती है तो डिमांड लाइन किस तरफ जाती है, पीछे की ओर शिफ्ट करती है, मतलब बाईं ओर विस्थापित होगी। तो देखो सवाल कैसे भी आए, कितने भी जटिल सवाल आए, कितना भी घुमा करके पूछा जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इन सभी सवालों का जवाब दे दोगे, ठीक है। तो माइक्रो पे स्टूडेंट मैंने बहुत सारे सवाल कराए हुए हैं, जो एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट सीरीज चल रहा है, एंड उस पर आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, क्योंकि आई डोंट हैव एम्पल ऑफ टाइम स्टूडेंट कि मैं वहाँ भी पढ़ाऊँ और इधर भी आके सवाल कराऊँ। तो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, इसी के बेसिस पर आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो, और जो भी सवाल इससे आएंगे प्रतिस्थापन के या फिर कॉम्प्लीमेंट्री के, तो इस तरीके से अगर आप इसको फॉलो करोगे तो वो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, परिवर्तनशील अनुपात के नियम की मान्यता क्या नहीं है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहला है टेक्नोलॉजी इज गिवन, बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही मान के चलता है कि तकनीक जो है वो स्थिर रहेगी, तकनीक अगर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन फंक्शन ऊपर चला जाएगा, बढ़ जाएगा। कारक का अनुपात बदला जा सकता है, बिल्कुल सही है, अगर हम भूमि को स्थिर मानते हुए उस पर अगर हम लेबर को बढ़ाते जाएं तो कारक का अनुपात तो हम बदल ही सकते हैं। यहाँ पर क्या बदला जा रहा है, अनुपात या रेशियो बदला जा रहा है, ठीक है। सभी कारक परिवर्तनशील, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ये नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। यहाँ पर रिटर्न टू स्केल का केस बन जाएगा, अगर सारे जितने भी फैक्टर्स हैं सभी वैरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैमाने का प्रतिफल हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत जवाब है सी, वो मात्रा निकाले जहाँ पर एवीसी न्यूनतम है। तो देखो स्टूडेंट मैंने हमेशा बताया है कि जिसको भी न्यूनतम करना है हम उसके लिए क्या करते हैं,
फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं और उसको जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो से इक्वेट करते हैं, तो इसका जो पहला डेरिवेटिव होगा ए वी सी का। डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने आपको बताया है कि हमेशा कैलकुलस यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। और आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट बोलते हो मैम ये नहीं बनता, ये मुश्किल होता है। तो ऐसा मुश्किल कब लगता है कि जब आपका कैलकुलस पे कमांड नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो डायरेक्ट सवाल भी आ रहे हैं अवकलन पे, डायरेक्ट की अवकलन के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के सवाल भी आ रहे हैं, इंटीग्रेशन के भी आ रहे हैं। तो जिस चीज़ से डर लगता है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्यों अपने किसी भी वीक पॉइंट को क्यों छोड़ना, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो से इक्वेट करते हैं, तो देखो माइनस नाइन प्लस पॉइंट फाइव क्यू बराबर जीरो। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर केवल इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब पॉइंट फाइव क्यू इज इक्वल टू नाइन, तो क्यू इज इक्वल टू 18, तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी। तरलता जाल की स्थिति से ये पता चलता है कि मुद्रा प्राधिकारी द्वारा चीप मनी पॉलिसी का अनुसरण करके ब्याज की दर को प्रभावित किया जा सकता है या नहीं। तो स्टूडेंट ये लिक्विडिटी ट्रैप की कंडीशन तब होती है जब इकोनॉमी में पैसे आके फंस जाते हैं। ये चीज़ तो आप जानते हो, कीन्स का जो यहाँ पर हम सिद्धांत पढ़ते हैं कि जितने भी स्पेक्यूलेटर्स होते हैं जो कि पूर्वानुमान लगाते हैं कि भाई आगे मार्केट में क्या हो सकता है, और जब वो समझते हैं कि ये एक क्रिटिकल रेट है, ये एक क्रिटिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे नीचे तो आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं ले जाएगी, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी पैसा है स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो डिमांड, ये जो लाइन है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। तो इसके बाद अगर आरबीआई चाहे भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को नीचे कर करके अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्याज की दर को एक क्रिटिकल रेट तक आ जाता है तो उसके बाद इसको प्रभावित नहीं किया जा सकता। पावर ऑफ टेस्ट क्या है? देखो स्टूडेंट, पावर ऑफ टेस्ट का मतलब होता है कोई भी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, परिकल्पना को आप परीक्षण करते हो, तो अगर वो सत्य है तो एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, अगर वो असत्य है तो रिजेक्ट होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड करेक्ट डिसीजन। तो पावर ऑफ टेस्ट को हम कहते हैं पी इज इक्वल टू वन माइनस बीटा, टाइप टू एरर को हम इसमें से हटा देते हैं। व्हाट इज बीटा? टाइप टू एरर। व्हाट इज अल्फा? टाइप वन एरर। बिल्कुल आपको रटा हुआ हो जाएगा, है ना। अल्फा को हम सिग्निफिकेंस टेस्ट भी कहते हैं, सार्थकता परीक्षण, तो दैट इज टाइप वन एरर, ठीक है। अगर आप इस तरीके से माप करते हो तो ये आपका क्रिटिकल रीजन होता है, क्रांतिक क्षेत्र होता है, और इस क्रांतिक क्षेत्र में अगर कोई भी आंकड़ा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, दिस इज टाइप वन एरर, ठीक है। लेकिन पावर ऑफ टेस्ट में हम टाइप टू एरर को लेते हैं वन माइनस बीटा, तो यहाँ पर पावर ऑफ टेस्ट क्या है, पी इज इक्वल टू वन माइनस बीटा। स्वतः सहसंबंध किस में देखा जाता है, ऑटो कोरिलेशन, ये भी बहुत ही बड़ा सा चैप्टर है। ऑटो कोरिलेशन टाइम सीरीज में देखा जाता है, क्योंकि देखो टाइम सीरीज में हम आंकड़ों को बिल्कुल एक साल, दो साल, तीन साल तक के आंकड़े लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है डाटा जो है आपस में कोरिलेट करने लगते हैं, और ये पहचान पाना मुश्किल होता है कि उनका जो है किस तरीके की श्रेणी बन रही है। तो टाइम सीरीज में ऑटो कोरिलेशन देखा जाता है। पॉइसा बंटन के संबंध में क्या गलत है? पॉइसा बंटन स्टूडेंट जिसको हम कहते हैं कि हम किसी ऐसी चीज़ में से पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं जो कि इम्पॉसिबल है, है ना। वी सर्च पॉसिबिलिटी इन इम्पॉसिबल थिंग्स। जैसे मैं कहूँ कि एक्वागार्ड के पानी में कीटाणु की संख्या कितनी है, तो इम्पॉसिबल है, एक्वागार्ड का पानी है तो साफ ही होगा, लेकिन फिर भी हम उसमें कीटाणु ढूंढते हैं। तो क्या है ये पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इस तरह के हम सवाल पढ़ते हैं। तो इसका जो माध्य होता है, एरिथमेटिक मीन होता है, इज इक्वल टू एन इंटू पी, पदों की संख्या गुना प्रोबेबिलिटी, तो ये तो सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ओवर एन पी, ये भी सही है। प्रथम परिघात या जो फर्स्ट मूवमेंट है वो जीरो से इक्वेट होता है, एंड जो सेकेंड है, सेकेंड मूवमेंट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है, तो गलत जवाब है डी। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराए, दीज आर सैम्पल क्वेश्चन, इसको आप इसी के बेसिस पर और भी आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये कोर्स परचेज नहीं किया है तो मस्ट परचेज, बिकॉज आज बस आज तक 500 ऑफ का कूपन लगा है। एंड स्टूडेंट मेरे पास थोड़ी समय की कमी हो जाती है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ने ट्रस्ट करके ऐप लिया है, तो मुझे, मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं उनको अच्छे से कोर्स कराऊँ।
तो आप लोग इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू डाउनलोड शिप्रोनॉमिक्स ऐप, और इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के मेरे ऐप को डाउनलोड करें, एंड आज डिस्काउंट का कूपन 500 का लगा हुआ है, उसको अवेल करके आप ये टेस्ट सीरीज वहाँ से ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको सैम्पल क्वेश्चंस कराए थे, इसी तरीके के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलेंगे। ये टेस्ट सीरीज वीक में 4 दिन चल रही है स्टूडेंट, 4 दिन मैं इसमें लाइव आती हूँ, एंड इसकी टाइमिंग है 9 PM, 9 PM लाइव टेस्ट सीरीज होती है, और इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज अभी तक हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही बढ़िया से चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको ज्वाइन भी किया है, तो मस्ट ज्वाइन शिप्रोनॉमिक्स ऐप।